हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गया भैंस पानी में। तो आज का टॉपिक है मेरा खुद का, देख सकते हो आप, ये फ्लूक का 101 का मल्टीमीटर है। ये सडनली ख़राब हो चुका है, तो ये बहुत ही महंगा मीटर है। ऐसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पनौती चल रहा है शायद। कैसे ख़राब हुआ पता नहीं, इसका 1 साल वारंटी होता है, लेकिन मेरा तो वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो अब जो करना है खुद करना है, ट्राई करूँगा, अगर फिक्स हो गया तो हो गया, और फिक्स नहीं हुआ तो मेरा गया। इसका प्राइस अभी करीब 3,500 रुपया है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी ऐसा कुछ है, 2-100 कम होगा या ज़्यादा। तो इसका जो प्रॉब्लम है देख सकते हो आप, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है मेरा। देखो, जब ऑन कर रहा हूँ तब कोई भी डिस्प्ले नहीं है, ये ऑफ मोड है, ये ऑटो रेंज मीटर है, ये ऑन करने से यहाँ पर डिस्प्ले में कोडिंग वगैरह आ जाता है, वेरिफिकेशन। तो पता नहीं इसका क्या हुआ है, एक हार्ड डिस्क रिपेयर कर रहा था 4 TB, वो करते करते अचानक ये ऑफ हो गया। उसके बाद जाके मैंने बैटरी वैटरी वगैरह सब कुछ देखा, फिर भी कुछ सलूशन नहीं मिला। तो पहले इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो इसका जो ओरिजिनल बैटरी है वही लगा हुआ है। तो ये तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, ये बैटरी सही है मैंने देखा। तो ट्राई करते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप काम करते हो रिपेयरिंग के तो कर लोगे खुद के दम से, ना हो तो यूट्यूब के दम से, लेकिन सॉल्व आपका हो जाएगा। तो हम भी ट्राई करेंगे, अगर सॉल्व हो गया तो रॉ फुटेज मिलेगा आपको और वीडियो में डालूँगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो तो नहीं मिलेगा। तो मेरा जो गया तो गया। चलो एक बार ओपन कर लेते हैं इसे। इसका बैटरी जो है, मैं पहले बैटरी को ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो आप एकदम क्लीन है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो नॉब है ये टूट गया था पहले, वो मैंने फिक्स किया, वो वारंटी पीरियड के अंदर था, लेकिन ये इशू नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर शोल्डरिंग किया है क्योंकि इसका जो नॉब था बैटरी का वो टूट चुका था, लेकिन वैसा कोई इशू नहीं है, कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। इसका बैटरी भी जो है ओरिजिनल है, इसके साथ जो आता है साइड में रखते हैं, कोई बात नहीं। तो खोलते हैं, देखते हैं, अगर सॉल्व हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर से परचेस करना पड़ेगा। और एक्चुअली ये जो मीटर होता है इसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा मीटर है। फिर भी देख लेते हैं खोल के इसमें क्या ख़राब हुआ है, कि कनेक्शन मिल नहीं रहा है, या फिर कोई सल्फर वल्फर वगैरह पड़ा है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। चलो खोल लेते हैं। इसका ओपनर किधर गया, ये है ओपनर, तो मैं इसे खोलता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने खोला नहीं ये मीटर कभी भी, तो ऐसे ही खोलेगा क्योंकि इसका और कोई स्क्रू नहीं है पीछे। मेरे ख्याल से ऐसे ओपन होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं एक बार, और कोई स्क्रू वगैरह है नहीं, और कोई स्क्रू नहीं है, तो ऐसे ही खोलना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो मैंने खोल दिया, इसे रख देते हैं साइड पे। तो ये है इसका होल्ड का की, और ये है इसका कौन सा वाला की है जो ऑटो रेंज सेट करता है, वो वाला की। तो देख सकते हो ये है मीटर,
इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर तीन स्क्रू है, इसको भी खोलना पड़ेगा शायद। खोल के देख लेता हूँ एक बार, बहुत टाइट है। खोल दिया, चलो ये तो भी आ गया बाहर। तो आप देख सकते हो ये है फ्लूक का 101 मल्टीमीटर, 600 वोल्ट कैट थ्री में आता है ये। इसका जो केबल आता है कैट थ्री में आता है। इसका पीछे जो है ये है, देख सकते हो क्लियरली। तो मैं पहले थोड़ा सा देख लूँगा यहाँ पर कुछ मॉइस्चर वगैरह है कि नहीं, उसके बाद जाके आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, साथ में रहिए। अगर सॉल्व हो गया तो आपको भी काम आएगा ये वीडियो, क्योंकि काम करते हो तो आपको भी एक ना एक दिन लेना पड़ेगा फ्लूक का मीटर, क्योंकि ये बहुत काम करता है। क्योंकि नॉर्मल मीटर में बहुत सारा वोल्टेज आपको पता नहीं चलता है, जिससे इस मीटर से आप पीएफ को एक एमएलसीसी को भी वोल्टेज देख सकते हो। यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है अंदर में, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो कहाँ गया ओपनर? सिंपली ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर यहाँ पर दो तीन रजिस्टर है ऐसा जो मॉइस्चर दिख रहा है मुझे। मैं इसे थिनर से थोड़ा सा क्लीन कर लूंगा, ठीक है। बस ये भी बिना बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। अगर रेडी हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो तो नहीं मिलेगा। तो चलो एक बार मैं इसका यहाँ पर जो कैपेसिटर है, मल्टीमीटर दिख रहा है, उसे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर खराब हुआ कि नहीं, ये सही है, ये भी सही है, नहीं 0 ओम्स दिखा रहा था एक कैपेसिटर में, पर अभी नहीं आ रहा है। इसका फ्यूज़ है 0.1, ठीक है। कुछ रजिस्टर वगैरह है यहाँ पर, और कुछ मॉस्फेट या फिर डायोड होगा, इसका नंबर देखने से पता चलेगा। शॉर्टिंग तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉइस्चर है थोड़ा थोड़ा। तो चलो पहले इसे साफ कर लेते हैं एक बार थिनर से। तो इस पोर्शन में मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लूँगा, यहाँ पर भी साफ कर लूँगा। इसमें जो आईसी है वो फिक्सिंग आईसी है, अगर ये ख़राब हो गया तो ज़िंदगी में रिपेयर नहीं होगा, सर्विस सेंटर में भी नहीं होगा, आपको रिप्लेस दिया जाएगा अगर वारंटी पीरियड के अंदर है तो। यहाँ पर एक क्रिस्टल भी है, ये कितना मेगाहर्ट्ज का है? ये 4000 मेगाहर्ट्ज का है, किलोहर्ट्ज का है सॉरी। तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। थिनर से मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, और तो कॉटन से अच्छे से मैंने क्लियर कर देना है। यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है मुझे, कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता तो ऐसा होता, लेकिन क्यों हो रहा है पता नहीं। तो मैंने क्लियर कर दिया, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। और मैं इसे थोड़ा सा ड्राई हीट करूंगा, ठीक है। तो असेंबली को ऑन किया है मैंने, असेंबली रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ड्राई हीट करूंगा,
यार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैं ड्राई हीट कर रहा हूँ, अगर रेडी हो गया तो लकीली, चलो मेरा तो बच गया और आपको भी कुछ सीखना पड़ेगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो। ऐसा करके अगर रेडी हो जाए तो अच्छा है। चलो मैंने थोड़ा सा इसे ड्राई हीट कर दिया तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। सही याद दे देते हैं हमें थोड़ा सा। चलो ठंडा हो गया, अब सेट कर लेते हैं इसे। तो कैसे था ये, कुछ शायद इस तरह से था कुछ। नहीं ऐसे था, हाँ नहीं नहीं ऐसे था कुछ, इस तरह से था। चलो इसका जो स्क्रू है इसे फिक्स करते हैं। कहाँ गया इसके स्क्रू, हाँ मिल गया। इसका तीन स्क्रू था यहाँ पर, मैं एक बार लगा देता हूँ। ये भी फिक्स कर देता हूँ और ये भी। ये भी फिक्स करता हूँ। चलो तीन स्क्रू मैंने लगा दिया। अब इसको ये वाला की जो है यहाँ पर डालना है, इसे होल्ड इधर पे डालना है और ये येलो वाला की इधर पे डालना है। देखते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा ही रहेगा। तो इसे हम लगाते हैं, ठीक है। इसे ये लगा नहीं, छूट गया है, ऐसे फिक्स करना पड़ेगा। चलो मैंने इसे फिक्स कर दिया और इसका पीछे जो स्क्रू था इसे लगा लेते हैं एक बार। चलो हुआ तो हुआ, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, छोटा मोटा इशू होता है कुछ। वैसे ही प्रोटेक्शन देकर इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी दो स्क्रू है, इसे भी फिक्स कर देते हैं। लगा दिया, ये भी लगा देते हैं। चलो फिक्स कर दिया। अब इसका जो बैटरी है उसे हम लगाएंगे। बैटरी कहाँ गया है, इसका पॉजिटिव एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। एक सेकेंड में देख लूँ थोड़ा सा, तो पॉजिटिव है, इधर जाएगा, एक ऐसे जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं ऑन करके। चलो रेडी हो गया, कोई बात नहीं, देख सकते हो रेडी हो चुका है, बिंदास रेडी हो चुका है। चलो मेरा तो बच गया, कोई बात नहीं, एक बार ऑफ करके फिर से देख लेते हैं। चलो रेडी हो गया। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था, थोड़ा सा कुछ मॉइस्चर वगैरह था इसमें, तो मैंने थिनर से क्लीन किया और ड्राई हीट कर दिया, वो सॉल्व हो गया। चलो अब इसे क्लोज कर देते हैं। चलो रेडी हो गया, मेरा तो बच गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप बिंदास
ऐसे खोल के थोड़ा सा क्लियर करके, थिनर से क्लीन करके इसे हीट अप कर दो, रेडी हो जाएगा 100%। ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही। तो मीटअप तो रेडी हो गया, लव यू ऑल, जय हिंद।